बिहार के 534 पंचायत समिति भवन निर्माण में खर्च होंगे इतने करोड़। बिहार में पंचायत सरकार भवन के तर्ज पर प्रखंडों में पंचायत समिति सरकार भवन बनाने वाली है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। इन भवनों के निर्माण के लिए 1290 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग भेज रहा है ताकि उसे जल्द स्वीकृति प्राप्त की जा सके। योजना के अनुसार अब सभी 534 प्रखंडों में ये भवन बनने हैं। साथ ही भवन में एक हॉल भी बनेगा जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह 2,42,00,000 के करीब हर एक भवन के निर्माण पर खर्च होंगे। योजना के अनुसार वित्त विभाग की स्वीकृति लेने के तुरंत बाद इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद पंचायत समिति सरकार भवन बनाने के लिए जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। किशनगंज के हरगौरी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ये मंदिर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज नगर में है और 1901 में स्थापित इस मंदिर की स्थापना की कहानी भी रोचक है। कहा जाता है कि यहाँ की जमीन को रविन्द्रनाथ टैगोर के वंशज ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने खरीदी थी और इसका नाम ठाकुरगंज रखा। 1897 में उनके परिवार द्वारा पूर्वोत्तर कोण में पांडव काल में भवनावशेष को खुदाई क्रम में शिवलिंग मिला जो 1 फुट काले पत्थर का था। शिवलिंग पर आधे हिस्से में भगवान शिव और आधे हिस्से में माँ पार्वती अंकित है। ठाकुर परिवार इसे कलकत्ता में स्थापित करना चाहते थे लेकिन रात को ही सपने में भगवान शिव ने कहा कि इस प्रतिमा को वहीं स्थापित किया जाए जहाँ पर वो मिली है। बिहार में खतियान और नक्शे का अंतिम प्रकाशन शुरू। बिहार की नीतीश सरकार बिहार में जमीन विवादों को जितना कम कर सके उसकी कोशिश में लग गई है। इसी कड़ी में अब सरकार ने बीते दिन से विशेष भूमि सर्वेक्षण वाले राजस्व गांव के खतियान और नक्शा का अंतिम प्रकाशन शुरू कर दिया है जिससे एक बात तो अब साफ है कि इन गांव का भूमि सर्वेक्षण निर्विवाद हो गया है। राज्य में 2 चरणों में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है। पहले चरण के 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण अंतिम दौर में है। इन जिलों में जमीन पर काम लगभग पूरा हो गया है। विभाग का दावा है कि जल्द ही अन्य राजस्व गांव के खतियान और नक्शा का अंतिम प्रकाशन होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य कैबिनेट से आवंटन की मंजूरी मिलने के बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत पहली बार इतने उद्योगों को मिली मंजूरी। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के प्रावधानों के तहत पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने के लिए फल सब्जियां और मक्का प्रसंस्करण की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की परियोजना अनुश्रवण समिति की बैठक में दी गई। इन परियोजनाओं में केले के चिप्स, आलू के चिप्स, मक्का आधारित स्नैक्स और मसालों का प्रसंस्करण होगा। स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 21.33 करोड़ है। इसमें अनुदान के रूप में राज्य सरकार 1.51 करोड़ रुपए देगी। हाल ही में कृषि विभाग के सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता कृषि सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने की थी जिसमें ही उक्त निर्णय लिया गया है। अब किलकारी से जुड़ेगी 5 जिले के कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं। अब किलकारी के साथ 5 जिलों के कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं जुड़ने वाली है। यानी कि अब कस्तूरबा विद्यालय की छात्रों का व्यक्तित्व निखरने वाला है। इसको लेकर फिलहाल 5 जिलों के कस्तूरबा विद्यालय में बाल किलकारी की शुरुआत होने वाली है जिसमें पटना, गया, पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर जिले के कस्तूरबा विद्यालय शामिल है। सबसे खास बात यह है कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं लगातार विभिन्न गतिविधियां सीखने की मांग कर रही थी। ऐसे में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किलकारी बाल भवन से संपर्क किया। किलकारी की संगीता ने बताया कि क्रिएटिव राइटिंग, कठपुतली बनाना, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लोक नृत्य आदि सिखाए जाएंगे। इसके लिए ही अब हर सप्ताह शनिवार और रविवार को कक्षाएं चलाई जाएंगी। सीबीएसई के इनोवेटिव स्कूलों की सूची से बिहार के सभी स्कूल गायब। हाल ही में सीबीएसई की तरफ से इनोवेटिव स्कूल की सूची जारी की गई है। बिहार में भी शिक्षा के सुधार के कई दावे किए जाते रहे हैं लेकिन अफसोस अब इस सूची में बिहार के निजी स्कूल एक भी अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में सीबीएसई की तरफ से देश भर के 21 सीबीएसई स्कूलों ने इनोवेटिव कैटेगरी में जगह बनाई है जिसमें ज्यादातर स्कूल दक्षिण भारत, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र से हैं। बिहार की बात करें तो राज्य का एक भी स्कूल जगह नहीं बना सका है। पहली बार सीबीएसई द्वारा इनोवेटिव स्कूल की सूची तैयार की गई। इसमें उन स्कूलों को रखा गया जहां पर खेल, विज्ञान, स्किल डेवलपमेंट, कला और बेहतर लैब है। बिहार की परिवहन मंत्री ने दिया इन वाहनों को सड़क से हटाने का आदेश। बिहार की सड़कों से पिछले 15 साल पुराने वाहनों को हटाने का दारोमदार अब बिहार के परिवहन मंत्री ने अपने हाथों में लिया है जिसके तहत उन्होंने अगले 5 दिनों में बिहार की सड़कों से 15 साल से ज्यादा पुराने गाड़ियों को हटाने का आदेश जारी किया क्योंकि बिहार में जल्द ही परिवहन विभाग स्क्रैप पॉलिसी ला रहा है। ऐसे में 15 साल पुराने वाहनों को सड़क से हटाने की अवधि 15 जून को खत्म होने जा रही है
जिसको देखते हुए ही उन्होंने उक्त आदेश जारी किया है। इसके साथ ही परिवहन मंत्री ने कहा कि पुरानी गाड़ियों से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ता है, दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की चर्चा करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि बिहार इस सिस्टम को शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव बिहार राज्य के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, यूपीए के पूर्व रेल मंत्री और 15वीं लोक संसद के पूर्व सदस्य रहे हैं। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता के रूप में राजनीति में प्रवेश किया था और 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप में चुने गए। वो 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1997 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। चारा घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों में वृद्धि हुई। 1997 से 2005 तक उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया। उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक और आय से अधिक संपत्ति और रेल मंत्री के रूप में लालू के कार्यकाल के दौरान रेलवे निविदा रिश्वत घोटाले में भी कई नाम उनके सामने आते रहे हैं। दिल में छेद की समस्या से परेशान इतने बच्चों को मिली नई जिंदगी। बिहार की नीतीश सरकार बचपन से ही दिल में छेद जैसी समस्या का सामना कर रहे बच्चों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जिसके तहत ही सरकार इन बच्चों का इलाज अपने खर्चे पर लगातार करवा रही है। राज्य सरकार की तरफ से दिल में छेद की समस्या से जूझ रहे बच्चों के इलाज के लिए फरवरी 2021 में बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत सरकार दिल में छेद पीड़ित बच्चों की निःशुल्क जाँच और इलाज कराती है। अब तक सरकार की इस पहल से एक साल में 384 बच्चों को नई जिंदगी मिली है। इनमें सबसे अधिक पटना जिले के 42 बच्चे शामिल हैं। उसके बाद वैशाली के 25 और नालंदा के 24 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। सुपौल और पूर्णिया जिले के एक भी बच्चे को योजना के तहत ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुरंत ही लिया जाएगा एक्शन। बिहार में बेखौफ अपराधियों पर नकेल कसने की कवायद इन दिनों तेज हो गई है। बिहार की नीतीश सरकार एक एक करके मामलों को संभालने में लगी हुई है। हालांकि फिर भी बिहार में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की भद्दे पिटने के बाद ही बीते दिन सीएम नीतीश ने बड़ा फरमान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे किसी भी दल के हो, परिवार का हो, अगर शराब पीते पकड़ा जाता है तो उसे जेल भेजे। नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा है कि बिहार में 1,00,000 की जनसंख्या पर 150 पुलिसकर्मी की तैनाती को लेकर काम करे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उक्त बातें क्राइम के नजर बुलाई गई बैठक में कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।